हाय आई एम डॉक्टर नेहा मेहता हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि पेनिस के ऑयल्स का कोई बेनिफिट भी होता है या नहीं इस वीडियो में बताऊंगी कि जब आप पेनिस को मसाज करना चाहते हैं तो कैसे करना है क्या टेक्निक होनी चाहिए अब कई लोग हैं जो ऑयल लेते हैं उसको पूरे हाथ पे लगा लेते हैं और फिर मसाज करना शुरू करते हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है कैसे करना है दिन में कितनी बार करना है किन चीजों का ध्यान रखना है और टेक्निक क्या होनी चाहिए जब आप स्पेशली अपने इंटरमेट एरिया पे मसाज ऑयल यूज कर रहे हैं तो डिटेल में देखेंगे इस वीडियो को हाय आई एम डॉक्टर नेहा मेहता मैक्स काउंसलर हूँ ये वीडियो स्पेशली मैं रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ और ये है वीडियो नंबर टू हमारा सीक्वल मसाज ऑयल के लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगी अगर आपने कोई भी मसाज ऑयल लिया है मेरा रेकमेंडेशन या लेफ्ट ऑयल पे है मैं आपको बताती हूँ हाउ इट वर्क्स ऐसे करके आपको ऑयल मिलेंगे मार्केट में यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन लेफ्ट अप ऑयल पे क्यों है क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और जिस जिस पेशेंट ने यूज किया उसके अच्छे नहीं है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डेमो के साथ बताती हूँ हाउ टू यूज दी पेनिस मसाज ऑयल तो आपको ऐसे ऑयल्स मिल जाते हैं आपने इसका लिड ओपन करना है सबसे पहले जिन चीजों का ध्यान रखना है वो है आपके हैंड्स जस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर यू आर यूजिंग योर ऑयल क्यों हैंड वॉश करने की बात कर रही हूं क्योंकि बहुत बार हमारे हाथ इतने गंदे होते हैं कि जर्म्स वहां एक्यूमलेट हो जाते हैं तो स्पेशली अगर मैं दो समय बोलूं जब आपको इन ऑयल का इस्तेमाल करना है इस जब आप जब आप आप नहाने के बाद नहा लिए पूरा फ्रेश हो गए तब इन ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं दूसरा रात को सोने से पहले बहुत बार जब हम रात को सोते हैं तो कई लोग नहाते हैं या पूरा फ्रेशन अप होते हैं इस समय पर भी आप अपने ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेशली जब आप रात को बाथरूम करने गए हैं उसके बाद हाथ धो लीजिए या सेक्स करने के बाद भी जब आप हाथ धो रहे हैं पूरा वॉश कर रहे हैं तब आप इस ऑयल को लगा के सो सकते हैं तो ये दो सूटेबल टाइम है जब आपको ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए अब बात करते हैं, कितनी देर और क्या अगर आप ऐसे ऑयल यूज कर रहे हैं ऐसे भी ऑयल्स हैं जिनके अंदर बस खोलती ही बोतल है स्पेशली बाय करें ऑयल अंदर ऐसे ड्रॉपर हैं तो अगर आप ड्रॉपर यूज करेंगे तो ड्रॉपर से आपने देखे फर्स्ट ड्रॉपर में मुझे यहां ऑयल आ गया है टू सॉर्ट ऑफ पुश इज इनफ इससे ज्यादा आपको ऑयल नहीं लेना है अगर आपको लगता है मेरे को भर के तेल ले लेना चाहिए शैंपू की तरह तो दैट विल नॉट है टू टू थ्री पुशस आर इनफ और जब आप ऑयल ले लेते हैं आपने ऐसे ऑयल लिया अब इसका टेक्निक क्या है आपको अपना थंप और फोर फिंगर इसका इस्तेमाल करना है ध्यान से देखेंगे लोग गलत मसाज कर रहे हैं थम्ब और फोर फिंगर में आपने ये ऑयल लिया अब आप इससे अपना फोर फिंगर और थम्ब आपस में रब करेंगे अब देखिए दोनों पे लग गया अब आप पेनाइल एरिया पे ऐसे राउंड बना के आपने करना है कई लोग पूरे हाथ पे लगाते हैं वैसे नहीं लगाना है सिर्फ थंब और फोर फिंगर को गीला करें और ऐसे राउंड मान लीजिए ये आपका पेनिस है तो ऐसे राउंड करके आपने इसको मसाज करना है इस डायरेक्शन में ओके कई केसेस में ये डायरेक्शन ऊपर से नीचे होती है और कई केसेस में नीचे से ऊपर होती है तो दोनों डायरेक्शन में आपने थंब और फोर फिंगर से ही पेनिस को मसाज करना है जो लोग पूरे पूरे हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है यूज अ थम फिंगर एंड थम एंड फोर फिंगर फॉर मसाजिंग योर पेनिस अब बात आती है मैम कितनी देर के लिए इस्तेमाल करना है टू मिनट्स ऑफ मसाज इज इनफ ये आप खुद भी कर सकते हैं आपका पार्टनर भी कर सकता है दो मिनट बहुत है ऐसे में कई लोगों को इरेक्शन आता है वो कहते हैं हम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है फीलिंग आती है मास्टरबेट करने का मन करता है यू कैन डू दिस लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर रहे हैं तो इट्स नॉट रिकमेंडेड ये हेल्प करता है जो दूसरी टेक्निक है मसाज की वो आप अपने नकल्स पे लगा सकते हैं मतलब अगर आप ऑयल ले रहे हैं ध्यान से समझेंगे इनको आप अपने नकल्स पे लगाएंगे ये आपका पार्टनर कर सकती है आपके साथ ऐसे आप नकल्स पे यहाँ पे लगा लीजिए और नीचे से ऊपर मसाज करनी आपके स्क्रॉटम एरिया टू योर पेनिस अगर ये आपका पेनिस है लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं तो आपने नीचे से ऊपर नकल्स टू योर पेनिस एरिया ऐसे करके आपने मसाज करनी है इससे क्या होगा जिन लोगों को बेस्ट ऑयल दोस्ट जिनकी फोर स्किन टाइट है क्योंकि आप नीचे से ऊपर जब मसाज करेंगे या ऐसे करके मसाज करेंगे तो आपकी फोर स्किन धीरे 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 लूज होगी और फिर सेक्स करने में बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा साथ साथ जिन लोगों का सेंसिटिव ग्लांस है मतलब आगे की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है स्पेशली शुगर या थायराइड पेशेंट्स में रहती है वो भी अगर अपने सेंसिटिव ग्लांस पे बिल्कुल आराम से ये ऑयल को मसाज करेंगे तो धीरे-धीरे उनकी सेंसिटिविटी भी रिलीफ होती है अभी दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं टू मसाज योर पेनिस एक और बहुत अच्छा मेथड है जिसको मैं अपनी आने वाली वीडियो में बताने वाली हूं तो अब से साइज का इशू परफॉर्मेंस का इशू इरेक्शन का इशू डोंट नो हाउ टू डू इट हाउ टू मसाज या इसका बेनिफिट है या नहीं है सब डिटेल में मैंने बोला है गो एंड बाय लिफ्ट अप मसाज ऑयल नाउ और अगर आप चाहे इसका रिजल्ट डबल करना चाहते हैं तो लिफ्ट अप कैप्सूल्स को भी ऐड करें ये कॉम्बो आपको बहुत तरीके से हेल्प करने वाला है ऑल एज ग्रुप